to go back. 1978, the first day of camp. Oh, hey, दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मेरा थंबनेल और टाइटल तो आपने देख ही लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी फियर स्ट्रीट यानी कि उसके पार्ट टू के बारे में। 1978 पे बेस्ड स्टोरी है। तो दोस्तों, ये स्टोरी टोटली ट्रायोलॉजी पे बेस्ड है, यानी कि आपको ये स्टोरी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होके दिखेगी। ऑलरेडी कुछ लोगों को पता ही हो रखा हो कि ये 2nd of July को रिलीज हो गया था। सेकेंड पार्ट आज यानी कि 9 जुलाई को रिलीज हुआ है और इसका थर्ड पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा 16 जुलाई को। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा और उसका भी मैं रिव्यू जरूर करूंगी। बिना स्पॉइलर दिए मैं इस स्टोरी के बारे में आप लोग को बताऊंगी और साथ ही साथ आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि नहीं करूंगी और क्या मैं रेटिंग देने वाली हूँ उस फिल्म को। फियर स्ट्रीट एक अमेरिकन हॉरर मिस्टीरियस फिल्म वेब सीरीज है जिसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। यस दोस्तों, उनको ट्रायोलॉजी पार्ट्स में डिवाइड किया गया जो कि आप लोगों को नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। तो इसमें दिखाया गया कि टीनएजर का ग्रुप है विच एक्सीडेंटली इनकाउंटर द एंशिएंट एविल, जिसकी वजह से बहुत सारी मर्डर्स होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टोरी में दिखाया गया कि फ्लैशबैक 1978 में स्टोरी स्टूडेंट्स जो कि समर कैंप्स के लिए जाते हैं, आखिरकार उनसे कैसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उनके ग्रुप पे भी बहुत सारा असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ कई सारे ब्रूटल एक्शन भी आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आप लोग को जरूर ये बता दूं कि ये फिल्म आर रेटेड फिल्म है, यानी कि इसका मतलब होता है बहुत सारा ब्लड और बहुत सारा थ्रिल देखने को आप लोग को मिलता है। ये दोस्तों, आप लोग को इसमें बहुत सारे ब्रूटल एक्शन भी देखने को मिलेंगे। तो ये साफ साफ मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि इस पार्ट को भी आप बच्चों के साथ बिल्कुल भी मत देखेगा, क्योंकि इसमें ब्रूटल एक्शन के साथ एडल्ट सीन्स भी हैं और एडल्ट लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत यूज की गई है। और इसकी टोटल लेंथ है ऑलमोस्ट 2 आवर्स की है। तो ये दोस्तों, आप लोग को इसमें इतना ज्यादा सस्पेंस, इतने एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि ये स्टोरी से बांधने पे आपको मजबूर जरूर कर देगा दोस्तों। और अगर आप लोग आर रेटेड फिल्म देखना पसंद करते तो आपको ये डेफिनेटली फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हालांकि मैं एक बार जरूर आप लोग से बोलना चाहती हूँ कि अगर ऐसी फिल्म आप लोग नहीं देख सकते जिसमें बहुत सारा ब्लड हो, बहुत सारे अडल्ट सीन्स हो, बहुत सारे ब्रूटल सीन्स हो, वो चीज अगर नहीं देख सकते इस फिल्म को तो आप लोग बिल्कुल भी मत देखिएगा। लेते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। तो इस स्टोरी में और इस पार्ट में आप लोग को बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत अच्छा खासा रोल दिखता हुआ दिखाई देगा, जिसमें काफी अच्छे सस्पेंस के साथ जो म्यूजिक दी गई है दैट वॉज वेरी वेरी अमेजिंग, जो कि लिटरली आपको स्टोरी से कनेक्ट करता हुआ दिखाई जरूर देगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं स्टार कास्ट के बारे में। तो आपको इस पार्ट में भी आप लोग को वही पुराने कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप लोग को बेंजामिन, जूलिया, ओलिव स्कॉट, टालिन अमॉय, ये सारे कैरेक्टर्स आप लोग को इस पार्ट में भी देखने को मिलेंगे जो काफी बेहतरीन एक्टिंग स्किल्स के साथ देखने को मिलेंगे। पार्ट को रेटिंग देना चाहती हूँ 3.5/5, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय।